हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरेज मेंटेटर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी। ऑपरेटर की चाल क्या है, ऑपरेटर कर क्या रहे हैं। आपको पता है मार्केट में ऑपरेटर है, बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं वो लोग, जो है अपनी पोजीशन पहले ही बनाते हैं, बट हम लोग जो है रिटेल उसको पहचान नहीं पाते। ठीक है, तो आज के वीडियो में एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो आपको ऑपरेटर मतलब ऑप्शन सेलर जो है वो कैसी पोजीशन बना रहे हैं, मार्केट को वो बेरिश बनाना चाहते हैं या फिर बुलिश बनाना चाहते हैं, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। ये जो स्ट्रेटेजी, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही जबरदस्त है और इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप लोग डेली प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसका मैं पूरा आपको आज एनालिसिस बताऊंगा। और ये जो फ्री वेबसाइट है जहां पे जाके आप ऑपरेटर की पोजीशन जो है मतलब ऑपरेटर कैसी पोजीशन बना रहे, बुलिश या बेरिश, वो आप चेक कर पाओगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है 2 फरवरी। 2 फरवरी के दिन मार्केट, देखिए मार्केट ऐसा लग रहा था मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट आपको दिखाया जा रहा है कि मार्केट देखो धीरे 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 गिर रहा है और नीचे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये रिटेल ट्रेडर मतलब हम लोग क्या सोच रहे थे, मार्केट के प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, तो मार्केट क्या होगा यहां से ब्रेक डाउन देके नीचे मतलब ये जो गैप है ये फिल कर सकता है। ठीक है, तो रिटेल ऐसा सोच रहा था, बट मार्केट में कुछ और ही चल रहा था। ठीक है, मार्केट में कुछ और ही पोजीशन बन रही थी जो रिटेल पहचान नहीं पाता, जो भी नए ट्रेडर है ये जो सारी चीजें उनको नहीं पता होती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग ये पता कर सके कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट को गिराया जा रहा है पर डेटा तो कुछ और बोल रहा है। ठीक है, डेटा कुछ और बोल रहा है, जैसे कि देखिए यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ, यही से मार्केट बाउंस बैक कर गया। देखिए कितना बड़ा मोमेंटम मिला, कितना मोमेंटम मिला, अगर आप इसको चेक करें यहां से हमें करीबन 450 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने दिया है। ठीक है, 450 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे दिया है, बट रिटेल फंस गया। रिटेल कैसे फंसा, रिटेल को ऐसा लग रहा था कि मार्केट देखिए लोअर लो का पैटर्न बना रहा है तो मार्केट क्या होगा, नीचे ब्रेकडाउन होगा, पर मार्केट ऊपर के साइड ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका कारण क्या था, उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट वेबसाइट बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे, गूगल पे आपको लिखना है ट्रेडिंग ट्रिक। ठीक है, ट्रेडिंग टिक, ये वाली जो वेबसाइट है इस पे आपसे चले जाना है। देखिए ट्रेडिंग टिक करके वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। देखिए जो बहुत सारी वेबसाइट जो है ये सारा डेटा प्रोवाइड करने के लिए चार्ज करती है, जबकि ये जो वेबसाइट है आपको फ्री में सारा डेटा प्रोवाइड करेगी। इसका मैं सेपरेट वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट पे जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। मैंने लॉग इन कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन वाला ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन में जाना है यहाँ पर, उसके बाद कॉल वर्सेस पुट ओआई इस पे चले जाना है। ठीक है, कॉल वर्सेस पुट ओआई, ठीक है यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपको इस तरह का डेटा आपको दिखाई देगा। अभी देखिए कॉल पुट दोनों सेम लग रहे हैं, बट जब मार्केट खुला था तब इसमें डिफरेंस था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह ही इसको ओपन करके रखना, एक साइड पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना, एक साइड पे आपको ये जो ट्रेडिंग टिक है उसका, ये जो ऑप्शन कॉल वर्सेस पुट वाला जो हुआ है उसका चार्ट ओपन करना है। ठीक है, दोनों साइड बाय साइड आपको यहाँ पे ओपन रखने हैं। उसके बाद सुबह में आपको देखना क्या है, देखिए प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कैसे करना है आपको मैं बता देता हूं कि देखिए सुबह आपको देखना है कि मार्केट मार्केट गिर रहा है। ठीक है, बट देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैं ऑप्शन चेन भी आपको बता देता हूँ, एनएससी ऑप्शन चेन मतलब ऑप्शन चेन देखना, अगर आप देखें एक चीज आपको देखनी, अगर ऑप्शन चेन नहीं जानते तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ऑप्शन चेन में कैसे काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन समझना जरूरी है ये जो स्ट्रेटेजी है सीखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो ना, इस साइड पे क्या है, पुट का वाई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पुट। ठीक है, इस साइड पे क्या है, पुट का वाई है, यहाँ पे कॉल का वाई है। ठीक है, अगर ऑप्शन सेलर जो होते हैं क्या, वो सेलिंग करते, ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, मतलब अगर उनका व्यू बुलिश है तो क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे। पुट सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ओवाई दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ज्यादा ओवाई दिखेगा, 1 लाख लोग, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 1 लाख लोग क्या चाहते हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाए, और यहाँ पे कितना है, 97 है, मतलब 1 लाख से कम है, तो डेटा कैसा है, बुलिश है। अगर कॉल राइटर ज्यादा होंगे मतलब वो ये लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट नीचे जाएगा। जिस भी तरफ का डेटा ज्यादा होगा मतलब पुट राइटर अगर ज्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल राइटर अगर ज्यादा होंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही दिखता है, देखिए यहाँ पे ये जो डेटा है ये आपको लाइन के फॉर्म में दिखता है कि ये बढ़ते जाएंगे, 5-5 मिनट में ये अपडेट होता जाएगा, और ये जो ग्राफ है इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो रेड है ये क्या है, हमारा पुट का ओवाई है, और नीचे क्या है, कॉल का ओवाई है, ये रेगुलरली मार्केट में अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था,
देखिए रिटेल को कैसे ट्रैप किया गया है। देखिए मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद क्या बताया गया कि मार्केट नीचे गिर रहा है। तो मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो कॉल साइड का जो ओआई है वो बनना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये पुट का ओआई, रेड लाइन क्या है, पुट का ओआई है, और ग्रीन ग्रीन लाइन क्या है, वो हमारा कॉल का ओआई है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है ना तो क्या होना चाहिए था कि मार्केट में कॉल का ओआई जो है बढ़ना चाहिए था, पर उसकी जगह पे क्या हो रहा है, पुट राइटर बढ़ रहे हैं, ठीक है, पुट राइटर अपनी पोजिशन बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या है ये चीज, देखिए लाइव मार्केट में आपको नहीं पता चलेगी, अगर आप सिर्फ चार्ट देखोगे ना तो आपको यही पता चलेगा कि मार्केट क्या है, गिर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि कॉल राइटर अपनी पोजिशन बना रहे होंगे, बट साइड में तो कुछ, बैक साइड तो कुछ अलग ही चल रहा है ना। बैक साइड में आप देखो प्राइस नीचे आ रहा है, पर पुट ओवाई जो मतलब मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं वो लोग अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, पुट सेलर जो है अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो पुट सेलर पोजीशन को इंक्रीज कर रहे मतलब उनका व्यू क्या है, बुलिश है। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको बाइंग करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने बजे बाइंग मोमेंटम आया, ये जगह देखिए तो करीबन 10:40 से लेके 10:11 बजे तक यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन था वहां पे क्या हुआ, एक बार देख लेते हैं 10:40 से, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10:40 यहाँ पर है। तो देखिए पुट राइटर कितने हैं, और 10:40 से देखिए ये लोग अपनी पोजीशन बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आया क्योंकि कॉल राइटर फिर भाग गए, ठीक है, कॉल राइटर अपनी पोजीशन निकाली, कॉल राइटर इतने कॉन्फिडेंस नहीं थे, पुट राइटिंग बढ़ रही थी, तो क्या हुआ हमें बड़ा सा ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट मिला तो बहुत अच्छा मार्केट ऊपर गया। तो कितना पॉइंट मिला यहाँ पे, देखिए 450 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे आपको मिल गया। तो ये देखिए मार्केट कैसे ट्रैप किया, मार्केट बता रहा है कि मैं गिर रहा हूं, पर ओवाई तो कुछ और बोल रहा है ना, जो ऑपरेटर है कुछ और खेल कर रहे हैं, ऑपरेटर पुट सेल करते हैं, पुट सेल कर रहे हैं मतलब उनका व्यू मार्केट में क्या है, बुलिश है, मतलब वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑपरेटर की चाल को समझना है कि ऑपरेटर पुट सेल कर रहे तो मुझे बाय के ही ट्रेड लेने हैं। अगर मार्केट में कॉल कर रहा है, कॉल राइटिंग बढ़ रही है, मतलब कॉल का जो इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट वो बढ़ रहा है, तो हमें पुट बाय करना चाहिए। अगर पुट का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमें कॉल बाय करना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलो ये ठीक है, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने ये मूव भी कैप्चर कर लिया। अब दूसरा मूव जो है, ठीक है, ये मूव हमारा कैप्चर हो गया, अब मार्केट यहां से गिरने वाला है, तो ये पहले से कैसे पता चलेगा हमें, कि पहले हमें ये कैसे पता चल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ, बहुत ज्यादा पुट राइटिंग बढ़ गई, कॉल राइटिंग बहुत है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा पुट राइटिंग बढ़ जाती है, ठीक है, एक बार मैं इसको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले जाते हैं, ठीक है, हाँ हाँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इस जगह पे बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट में पुट राइटर जो है बढ़ रहे थे, कॉल राइटिंग बढ़ नहीं थी, यहां से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, यहाँ पे पुट राइटर जो है भाग रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे क्या है, पुट राइटर अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, कब से निकाल रहे हैं, तो 11:50 से लेके ये 12:30 बजे तक अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, नीचे कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है, और नीचे कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखो तो इस जगह पे क्या हो रहा है, 12:30 से मतलब कब से पोजीशन निकाल रहे हैं ये लोग, देखिए कितने बजे से पोजीशन निकालना स्टार्ट किया इन्होंने, इन्होंने 11:50 से लेके करीबन 12:30 बजे तक इन्होंने अपनी पोजीशन निकाली है, मतलब पुट राइटर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। तो पुट राइटर निकलेंगे तो क्या होगा, मार्केट गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए 12:30 बजे से 11:30 बजे से 12:30 बजे तक क्या हुआ, इन्होंने अपनी पोजीशन सारी निकाल दी, इस जगह पे अपनी पोजीशन निकाली है। तो मार्केट निकालने के बाद क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, फॉल हुआ, और कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, मतलब क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। तो देखिए मार्केट कितना अच्छा नीचे गिरा है। उसके बाद और एक चीज आप समझ लीजिए, जब भी, ठीक है, जब भी मार्केट में कॉल राइटर क्रॉस, ये देखिए पुट के ओआई का और कॉल का ओआई का क्रॉस ओवर हो, जैसे कि कितना 1:40 पे ये क्रॉस ओवर हुआ है, तो 1:40 पे कहां क्रॉस ओवर हुआ है, तो ये देखिए 1:40 कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए कॉल राइटर बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए हमें बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना था, ठीक है, कॉल राइटिंग यहां पे बढ़ रही है, तो यहां पे हमें ऊपर जाने पे सेल ही करना चाहिए था, ठीक है। तो यहां से अगर आपने देखा होगा कि क्रॉस ओवर मिल चुका है, अब मुझे पुट साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, तो ये देखिए यहां से भी मार्केट 400 पॉइंट गिरा है, क्योंकि कॉल राइटर ने क्रॉस ओवर कर दिया, पुट राइटर सारे मार्केट में से निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट और भी आप ऐड कर सकते हैं कि देखिए जब भी प्राइस ऊपर जाए, उसके बाद प्राइस अगर ये पुट राइटर को क्रॉस करे या फिर कॉल राइटर को क्रॉस करे, तो आपको यहां पे भी अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हैं, 12:00 बजे के करीब अगर आप पोजीशन बनाते तो भी सही रहता। देखिए यहां पे 12:00 बजे के करीब क्रॉस ओवर मिला था प्राइस और ओआई का, तो यहाँ पे अभी आपको पुट साइड की पोजीशन बनाते तो आपको देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। तो ये सारा खेल देखिए यहाँ पे चलता है,
इसी को चार्ट को आपको लगा के रखना है। मैं भी ऐसे ही ट्रेडिंग करता हूं, ओके। और देखिए नेक्स्ट डे के लिए क्या है, कॉल राइटर बहुत ज्यादा पोजीशन लेके गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे में कॉल राइटर बहुत ज्यादा पोजीशन लेके गए, मतलब उनका व्यू क्या है, बेरिश है। तो नेक्स्ट डे जो मंडे मार्केट खुला ओपन होगा तब आपको गैप डाउन दिख सकता है इस पोजीशन को देखकर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो वेबसाइट है ना उसमें बहुत सारा आपको डेटा मिल जाता है। लॉन्ग पुट देखिए यहाँ पे आपको 9:30 बजे क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। तो सुबह क्या हुआ, लॉन्ग बिल्टअप हुआ, पहली दो कैंडल में क्या हुआ, लॉन्ग बिल्टअप हुआ। लॉन्ग बिल्टअप हुआ तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग फिर शॉर्ट बिल्टअप हुआ, पर ज्यादा से ज्यादा देखिए सुबह शॉर्ट मतलब क्या हुआ, लॉन्ग बिल्टअप हुआ, ठीक है। लॉन्ग बिल्टअप हुआ पर 12 बजे क्या हुई, लॉन्ग अनवाइंडिंग होने लगी। 12 बजे से लॉन्ग अनवाइंडिंग होने लगी तो क्या हुआ, मार्केट गिरने लगा, ठीक है। 12 बजे जो जिन्होंने लॉन्ग किया था वो निकलने लगे तो क्या हुआ, मार्केट गिरने लगा। देखिए मार्केट यहां से गिर रहा है, ठीक है। तो ये जो है यही ये लाइव में आपको अपडेट होता मिल जाएगा और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक बार इसको लाइव में जरूर टेस्ट करके देखना, ये बहुत अच्छे से काम करती है, ओके। तो इसमें देखिए लॉस होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि आप ऑपरेटर के साथ अपनी पोजीशन बनाओगे, वो जैसी पोजीशन बना रहे वैसी आप पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस डेटा को देख के आपको ट्रेड लेना है और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।